हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम प्रॉपर इंडियन कपड़े पहन के फिनलैंड में बाहर निकले हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट इसीलिए निकले क्योंकि आज हम जा रहे हैं नवरात्रि के सेलिब्रेशंस में गरबा खेलने। yes. और आरशी इज टू एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। देखिए, इसको लग रहा है कि बस अभी फटाक से आने वाली है तो आगे भाग गई मुझे छोड़ के। देखिए, पत्ते सारे के सारे झड़ चुके हैं। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इसका मतलब है ऑटम ख़त्म होने वाला है। तो हम पहुंच चुके हैं एस्पो के सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और यहां से हमें ट्रेन पकड़ना है हमारे डेस्टिनेशन के लिए। मौसम काफ़ी क्लाउडी है आज के दिन। तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर इंटरसिटी, इसीलिए इसके लिए अलग टिकट नहीं खरीदना पड़ता अपन को। दिस इज सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जस्ट लाइक अ बस, जस्ट लाइक अ मेट्रो। बाहर इतना ठंडी नहीं लग रही है। यहाँ ठंड नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना सब कुछ पहनने की जरूरत है। या तो अभी जो हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं वो जा रही है एयरपोर्ट की तरफ और हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ फ्लाइट पकड़ रहे हैं इंडिया की और मुंबई जाने वाले हैं और पापा मम्मी से मिलेंगे और नागपुर से सारी फैमिली को मुंबई बुला लेंगे। एक घंटा विजिट करेंगे और एक घंटा विजिट कर लेंगे, सबसे मिल लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे कल सुबह। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ 3 मिनट का वॉक है एंड वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। I don't know what to expect. आज I swear I don't know what to expect. हम किसी को जानते नहीं है वहाँ पे ऐसे ही जा बस जा रहे हैं ऐसे तो hopefully हो सकता है कि आज we'll make some new connections. So let's see. तो guys, हम पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे जो कि है ये बिल्डिंग और आरशी बहुत ज्यादा एक्साइट हो रही है। नहीं हो रही है, क्यों? बिकॉज़ जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ बहुत ज्यादा तो मेरा पोपट हो जाता है। तो गाइस, अभी हम फिलहाल एक बास्केटबॉल कोर्ट में हैं, जहाँ पे आज का गरबा सेलिब्रेशन कंडक्ट हो रहा है। हैप्पी वेरी हैप्पी एवरीवन इज हार्डली इन दिस ईयर व्हिच इज सोरस बायस। सब बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं यहाँ पे, ऐसे सबके बच्चे हैं और बच्चे भी ऐसे 4-5 साल के ऑलरेडी। मुझे लग रहा है मैं और हम ऐसे कपल में बहुत यंग है, बाकी ऐसे यंगस्टर्स है लड़के हैं जो अलग अलग आए हैं, बट एज सच कोई उतना यंग नहीं लग रहा है। Yeah.
मजा आया? थक गए? थक गए? तो अभी सबने लिया है 5 मिनट का ब्रेक। आप मुझे देख सकते हो, मैं पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ। यू नो दिस इज मेडिटेशन टू मी, दिस इज मेडिटेशन टू माई ब्रेन, टू माई बॉडी, टू माई मेंटल हेल्थ, टू माई फिजिकल हेल्थ। इट्स डिवाइन। चलो अच्छा है, इज एंजॉयिंग अ लॉट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट गरबा राउंड एंड उसमें भी एंड तक रहूंगी मैं। तो फिलहाल सब ग्रुप फोटो खिंचवा रहे हैं इनके साथ, जो कि यहाँ के इंडियन एम्बेसी के हेड हैं, जो बीच में खड़े हैं सबके। और वो रे यारशी, उनके पीछे ही खड़ी है। हाँ, तो हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। हाँ। हमारा लक अच्छा था क्योंकि आज मेरे कॉलीग मिल गए थे हमें वहाँ पे एंड उन्होंने हमें राइड ऑफर किया घर तक। नहीं तो अदरवाइज बनाना फॉर ट्रैवल करना पड़ता हमको। सो वो बात अच्छी हो गई, तो हम घर पहुंच चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। आज का दिन बहुत अमेजिंग था। आरशी तो इसने इतना एंजॉय किया, आपने देखा ही होगा कितना एंजॉय किया इसने, मजा आ गया। अभी फिलहाल बहुत भूख लगी है। मैंने आज बहुत सारी कैलोरीज बर्न किया है, बहुत सारी होनी चाहिए ऐसे कैलोरीज बर्न करने के लिए, बट जो भी बचा कुचा था वो भी बर्न हो गया। यार बहुत मजा आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना, मतलब ऐसा हर बॉडी पेन हो रहा है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, पर वो जो पेन है ना, इट्स ऑल वर्थ इट। लाइक अगर मुझे कल भी कोई बुला रहा है तो मैं कल भी जाऊंगी, तो कल कोई नहीं बुला रहा है। We had so much fun और हमने नए नए फ्रेंड्स बनाए, yes, नए नए एक्चुअली काफी सारे लोगों से मिले, काफी yeah. अच्छे लोगों से मिले एक्चुअली। हर सॉरी टू इंटरप्ट, सारे लोग इतने स्वीट थे, लाइक एवरीवन also relatable because everyone is kind of from India and they are kind of going through the same things and discovering the same things that we are discovering, so thoda ek relatableness ho jata hai. Hum milte hain aap logo se agle vlog mein, tab tak ke liye like kariye, share kariye and subscribe the channel and bye.